नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। दिल्ली दंगे, असली दोषियों को सजा के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग। चीन के खिलाफ टैरिफ लगाकर अमेरिका ने व्यापार नियमों का उल्लंघन किया। देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के रिकॉर्ड 97,000 से ज्यादा नए मामले। कोविड-19, भारत क्यों लड़ाई हार रहा है। प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अकादमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्तव्य जारी कर दिल्ली दंगों में बेवजह फंसाए गए लोगों को तत्काल रिहा करने और जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल छोड़ा जाना चाहिए और असली दोषियों को सजा देने के लिए एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एक संयुक्त वक्तव्य में समूह के लोगों ने आरोप लगाया कि असहमत होने वालों की लोकतांत्रिक आवाज को धीरे धीरे फंसाकर उन्हें दबाया जा रहा है। यह वक्तव्य JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की 13 सितंबर को हुई गिरफ्तारी के बाद आया है। खालिद पर UAPA के तहत मामला दर्ज है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की चीन विरोधी विदेश नीति को एक बड़ा झटका देते हुए विश्व व्यापार संगठन ने फैसला सुनाया कि व्यापार युद्ध शुरू करने वाले ये टैरिफ प्रस्ताव वास्तव में अवैध है। WTO के एक पैनल ने मंगलवार 15 सितंबर को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका ने 2018 में लगाए गए इस टैरिफ को उचित ठहराने के लिए चीन द्वारा कथित तौर पर अनुचित व्यापार व्यवहार या तकनीकी चोरी का एक ठोस मामला पेश नहीं किया है। चीन की एक अपील के बाद यह फैसला आया है। चीन ने WTO से 2018 और 2019 के बीच US-चीन व्यापार विवाद के बढ़ने के बाद मध्यस्थता करने के लिए कहा था। WTO ने कहा कि अमेरिका में व्यापारिक संस्थानों और व्यक्तियों पर हाल के टैरिफ को 1994 में मार्केश समझौता और अन्य समझौता के तहत जिन्हें विश्व व्यापार संगठन ने गठन किया था उस व्यापार विवादों से निपटने की अनुमति नहीं दी जाती। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 17 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक रिकॉर्ड 97,894 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से 1,132 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 82,719 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 51,18,253 हो गई है। मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश का रिकवरी रेट 78.64% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 40,25,079 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन कोरोना से अब तक 83,198 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10,09,976 हो गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 6,05,65,728 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 11,36,613 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। सरकार इस तथ्य में सांत्वना दिए जा रही है कि भारत में दुनिया के मुकाबले मौतें उतनी अधिक नहीं हुई हैं और इसका कारण शायद युवा आबादी है, लेकिन वायरस का प्रसार किसी भी सरकारी कार्रवाई के मुकाबले तेजी से हुआ है और यह कम होने का कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। मौतें बढ़ रही हैं और सरकार की वित्तीय नीतियों ने अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर दिया है। आइए हम सरकार की प्रतिक्रिया पर करीब से नजर डालते हैं। बस कुल 6 महीने पहले 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने घोषणा की कि कोविड-19 एक महामारी है। उस समय 100 देशों में लगभग 1,00,000 से अधिक मामले पाए गए थे। भारत में तब लगभग 50 मामले सामने आए थे, जिनमें से ज्यादातर विदेश से लौटे हुए लोग थे। इन 6 महीनों में तो मानो जैसे दुनिया ही बदल गई। 14 सितंबर तक दुनिया में कोविड ग्रस्त लोगों की संख्या में भारत का दूसरा नंबर था, यानी 49.3 लाख लोग, और मौत की संख्या में तीसरा नंबर, मतलब 80,808 मौतें। 11 सितंबर को भारत ने 97,750 मामले दर्ज किए, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने 11 सितंबर को एक देशव्यापी सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। उनके अनुसार लगभग 64,00,000 भारतीयों को मई के शुरुआत में ही कोरोना वायरस होने के अनुमान थे, जबकि 5 मई को कोविड मामलों की सरकारी संख्या लगभग 53,000 थी। इसका मतलब उस समय कोविड मामलों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कम 120 गुना अधिक थी। तो केवल कल्पना ही की जा सकती है कि अब असलियत क्या होगी। जाहिर है भारत वायरस के खिलाफ लड़ाई हार गया है। हालांकि ये भी सच है कि मौतें उतनी अधिक नहीं हैं, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कम उम्र की आबादी ज़्यादा है। वायरस का प्रसार किसी भी सरकारी कार्रवाई से रुका नहीं और फिलहाल रुकने का कोई संकेत भी नहीं है।
मौतें बढ़ती जा रही हैं और सरकार की विचित्र नीतियों ने अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर दिया है। आइए हम सरकार की प्रतिक्रियाओं को और करीब से देखें। इनको मोटे तौर पर तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण, घमंड। सर्वव्यापी महामारी कोई समस्या नहीं। चीन ने WHO को जनवरी 2020 के पहले सप्ताह में वुहान शहर में हुए अज्ञात वायरस के बारे में सूचित किया था। उसकी वजह से WHO द्वारा एक आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू हुई जिसमें सदस्य देशों को सचेत करना शामिल था। उन देशों की लिस्ट में भारत भी था। उभरते वायरस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि ये एक चिंता का कारण है। इसके बावजूद भारत ने तब ज्यादा कुछ नहीं किया। 30 जनवरी को भारत ने केरल में अपना पहला COVID-19 का मामला दर्ज किया। अगले 54 दिन मोदी सरकार ने बार बार बस यही कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और चीजें नियंत्रण में हैं। सरकार ने वुहान से लोगों को एयरलिफ्ट किया। 4 फरवरी को चीनी और उन अन्य पर्यटकों के वीजा रद्द कर दिए गए जो पिछले 2 सप्ताह में चीन गए थे। एयरपोर्ट आगमन की स्क्रीनिंग की जा रही थी, लेकिन उससे अधिक कुछ किया नहीं जा रहा था। 3 मार्च को PM मोदी ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और ट्वीट किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आत्मसुरक्षा के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय ही काफी है। हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग को अब सभी आगमनों तक फैला दिया गया था। ये अलग बात है कि तब तक सैकड़ों लोग पहले ही अंदर आ चुके थे। कुछ पुष्ट मामलों के संपर्क का पता भी लगाया गया था, लेकिन जो लोग हाथ नहीं आए थे उनकी छानबीन नहीं की गई। वहीं केरल ने इस बीमारी को राज्य आपदा घोषित कर दिया। उड़ीसा और हरियाणा ने भी यही किया। राज्यों को महामारी से निपटने के लिए कॉलोनियल एपिडेमिक एक्ट का उपयोग करने को कहा गया और मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया। 15 मार्च तक भारत ने कुल 500 व्यक्तियों का परीक्षण किया जिनको निमोनिया जैसे लक्षण महसूस हो रहे थे। तब तक केवल विदेश से आए हुए लोगों का ही परीक्षण किया जा रहा था। बाद में फिर सिम्टोमैटिक लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। 22 मार्च को PM के आह्वान पर 14 घंटे का स्वैच्छिक लॉकडाउन यानी कि जनता कर्फ्यू देखा गया, जिसके बाद ताली और थाली बजाने को कहा गया। तब तक भारत में पहला मामला आए हुए 50 दिन हो चुके थे और इस बीमारी को महामारी घोषित किए हुए 69 दिन। दूसरा चरण, धमकी। यह एक कानून और व्यवस्था की समस्या है। 14 मार्च को मोदी ने घोषणा करी कि पूरे देश में 3 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लॉकडाउन और घोषणा में मात्र 4 घंटे का फासला था। यह मात्र एक झटका और डर यानी कि शॉक एंड ओ वाला उपाय था, जो कि एक बेहद लापरवाह, विचारहीन और निष्क्रिय समाधान था। हमें बताया गया कि इस लॉकडाउन से कोविड के फैलाव की कड़ी टूटेगी और यह वायरस नष्ट हो जाएगा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो भारत में लगभग 500 मामले थे। देशव्यापी लॉकडाउन को 3 बार बढ़ाया गया और यह लगभग 2 महीने तक चला, जिसके बाद इसे चरणों में खत्म किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पूरी शक्ति देता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता है और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। राज्यों को बार बार लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए उकसाया गया, हालांकि अधिकांश राज्य सरकारों के पास कोई और चारा या सुझाव भी नहीं था। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस को सभी अधिकार दिए गए, ट्रेनें रद्द कर दी गई, लाखों लोग घरों से कोसों दूर फंसे हुए थे। प्रवासी मजदूरों को अपने बचाव खुद करने के लिए छोड़ दिया गया और उन्हें पैदल घर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के कारण या सैकड़ों मील चलकर पैदल घर वापस जाने की कोशिश के कारण लगभग 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत के पहले से ही बिगड़ी अर्थव्यवस्था को इस लॉकडाउन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। औद्योगिक उत्पादन में लगभग 63% की गिरावट आई। बेरोजगारी लगभग 24% तक बढ़ गई। लगभग 80% परिवारों ने अपनी आमदनी पूरी तरह से या आंशिक रूप से खो दी। आयात और निर्यात यानी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई। आर्थिक विकास धीमा हो गया। इस साल अप्रैल से जून तिमाही की GDP विकास दर में लगभग 24% की गिरावट आई है। हालांकि भारत के लोगों के ये विशाल और अनुचित बलिदान भी वायरस को फैलने से रोक नहीं पाए। कोविड के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 मार्च को 606 से लेकर 31 मई को 1.9 लाख और 30 जून तक 5.86 लाख तक। तीसरा चरण, आत्मसमर्पण। यह महामारी एक अमुख्य समस्या है, अब इसी के साथ रहना पड़ेगा। मई के अंत तक मोदी सरकार अपनी खुद की बनाई गई दुविधा का शिकार थे। सरकार का सबसे बड़ा हथियार जो कि एक लॉकडाउन होता, उसका पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था। अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में थी।
राहत और कल्याण की सारी घोषणाएं कंजूसी की हद पार कर चुकी थी। भूख और दुख चरम सीमा पर था, लोग राहत के लिए रो रहे थे। कॉरपोरेट क्षेत्र इस बात पर जोर दे रहा था कि अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने लाभ मार्जिन के बारे में चिंतित थे। इसलिए सरकार ने विस्तृत रणनीति के तहत रंगों के आधार पर नियंत्रण क्षेत्र यानी कि कंटेनमेंट जोन्स को बांट दिया। इसे लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया और अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। राज्य सरकारों को तय करने के लिए कहा गया कि वे क्या करना चाहते हैं। इस भावना को तेजी से ऊपर से नीचे तक लागू किया गया। राज्यों ने जिला कलेक्टरों को बताया कि वे क्या चाहते हैं। कलेक्टरों ने थाना प्रभारियों को समझाया कि अपनी बेल्टें कास लें और केंद्रीय निर्देशों का पालन करें। कुल मिलाकर यह पूरी तरह से अव्यवस्थित था। चेहरे बचाने का एक ही उपाय था, अर्थव्यवस्था को फिर से खोलना। इस बीच कोविड मामलों में वृद्धि जारी रही। 30 जून के 5.86 लाख मामलों से जुलाई अंत तक 16.96 लाख तक और अगस्त अंत तक 36.9 लाख तक पहुंच गए। मूल रूप से महामारी से लड़ने के लगातार बदलते दृष्टिकोण के साथ मोदी सरकार ने भारत में आई अब तक की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा को गलत तरीके से संभाला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस मामले में भारत सरकार का रवैया ब्राजील के हेयर बोल्सोनारो और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जैसा ही है। ये तीन देश महामारी से सबसे अधिक पीड़ित है। इसका कारण यह है कि इन तीनों देशों के नेतृत्व पॉपुलिस्ट नेताओं ने किया है और तीनों ने ही इस महामारी से निपटने में एक से बढ़कर एक गलतियां की है। न्यूज क्लिक की डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद। Thank you.